मैं तुम्हारे चैनल में लेके आ गई हूँ आज आपको सदर बाजार, दिल्ली का सबसे सस्ता बाजार, जहाँ पे आपको ए से लेके टेन तक की सारी आइटम मिलने वाली है। किसी भी चीज के लिए आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, कुछ भी चाहिए आप सिर्फ आ सकते हो सदर बाजार में। तो चलो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा एक्सप्लोर कराती हूँ सदर बाजार, जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ता सामान हर जगह मिल जाएगा, चाहे मेकअप हो, चाहे हेयर बैंड्स हो, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलो एक्सप्लोर करें। सो गाइज, अब हम एंटर कर रहे हैं, तो ये आप देख रहे हो, ये है सदर बाजार का मेन गेट, एंड यहाँ से हम सीधा चलते जाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ आएगी एक गली, हमने वहाँ पे डाल लेना है। तो हम ये चलते चलते, हमें एक पर्स का स्टोर दिखा वहाँ पे, बट हमें इतने अच्छे नहीं लगे तो हम थोड़ा आगे निकल गए। तो ये है वो मेन गली जहाँ से सदर बाजार आप मेन एंटर होते हो, उसके बाद आपने फर्स्ट लेफ्ट लेना होता है। ठीक है, तो लेफ्ट लेने के बाद हम स्टार्टिंग में देखेंगे एक बैंगल की शॉप, और यहाँ पे सब कुछ होलसेल रेट पे बहुत ही अच्छा मिलता है, मतलब होलसेल पे ना बहुत ही अच्छे प्राइसिंग है। फिर हमें ये एक पर्स की शॉप दिखी, एंड अमेजिंग अमेजिंग ब्राइडल पर्स थे, कुछ ये आप देख रहे हो बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह थे, और ये आप मानोगे नहीं, सिर्फ 50-60 रुपीज़ का पूरा पैकेट था, जो कि मार्केट में हमें पर पीस 30-40 and 50 में मिलता है। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी, एंड फिर मैंने कुछ ब्राइडल ज्वेलरी देखी। अगर आप ज्वेलरी, क्योंकि गाइस आ रहा है वेडिंग सीज़न, और यहाँ पे ब्राइडल ज्वेलरी बहुत ही रिजनेबल रेट पे थी, तो बिल्कुल मिस मत करना। और ये जो लिपस्टिक्स आप देख रहे हो ना, ये 10-20-25 रुपीज़ पर पीस थी, जो कि 50 मार्केट में बिकती है। तो मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉक हो रही थी कि लिपस्टिक्स इतने कम प्राइस में, एंड ज्वेलरी पे तो ऐसा मेरा दिल आ गया था कि यहाँ पे ना आप मानोगे नहीं, मतलब 50 रुपये से सेट स्टार्ट हो रहे थे, लाइक ब्राइडल में ना 2000-3000 में बहुत अच्छे रहे सेट्स थे। एंड फिर मेरे को दिखा एक मेकअप का स्टॉल, तो मैंने वहाँ पे मेकअप चेक किया, बट मुझे पर्सनली क्वालिटी नहीं पसंद आई। तो प्लीज़ मेकअप कभी भी आप पटरीज वगैरह से बाय मत करना, बिकॉज स्किन का एक सवाल होता है। ठीक है, एंड उसके बाद ये रश आप देख ही रहे हो, इतना ज़्यादा रश था मार्केट में कि क्या बताऊँ। ये है फेमस छोले भटूरे की शॉप, वहाँ पे बहुत ही फेमस है ये छोले भटूरे। एंड उसके बाद फिर मेरे को एक और स्टोर दिखा ज्वेलरी का, यहाँ पे आप मानोगे नहीं 50 रुपीज़ से पर ज्वेलरी सेट स्टार्ट था, लास्ट 600-700 मतलब 1000 तक में लास्ट था। और ऐसी ऐसी ज्वेलरी थी, आप देख रहे हो उतने हैवी नेकलेस, ब्राइडल ज्वेलरी जिसे हम कहते हैं ना, वो प्राइसिंग था। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, यार ये शॉपकीपर्स हमको कितना लूट लेते हैं ना, लाइक हम अगर नॉर्मली ऐसी एक ज्वेलरी लेने जाएं तो हमें ना ऐसी जो मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ 50 रुपीज़ की थी, बट अगर हम वैसे दुकान में लेने जाएँ तो आपको ना लाइक 300-400 से कम नहीं मिलेंगी। एंड ये जितने भी स्क्रंचीज थे, ये 1-1 रुपये 2-2 रुपये पर पीस पे थे, लाइक पूरे पैकेट का जो प्राइसिंग था 30-40-50 का था ओनली। एंड ब्राइडल चूड़ास तो यार सीरियसली बता रही हूँ 100 रुपये से स्टार्ट थे, सिर्फ 700-800 तक, इतनी अमेजिंग कलेक्शन थी। एंड यहाँ पे आप सब कुछ देख रहे हो, इतने अमेजिंग अमेजिंग से ये हेयर बैंड्स एंड जो स्क्रंचीज़ होते हैं, ये पूरे मतलब उसमें थे, होलसेल रेट पे थे। एंड ये उनका एक कार्ड था, उन्होंने शो करने के लिए बोला, ये भैया थे, तो मैंने ज़रूर उनको शो करा कि चलो अच्छा है अगर हम किसी की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एंड ये अपने शोरूम का बता रहे थे कि शोरूम के बिल्कुल सामने ही इनका स्टॉल लगता है, तो आप कभी जाओ तो इनसे आपको स्क्रंचीज, रबड़, कुछ भी लेना हो ले सकते हो। एंड फिर मेरे को एक एयरिंग्स का स्टॉल दिखा, मुझे इनके पास एयरिंग्स बहुत अच्छे लगे, बट मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहती थी, तो मैं ये इसलिए पहन के देख रही हूँ, मैंने ट्राई किया बट बहुत बड़े लग रहे थे तो मैंने ये नहीं लिया। इसके अलावा कोई और दूसरे एयरिंग्स खरीदे जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे थे। एंड फिर मैं उनको पे किया, मैं निकली, एंड इतना रश था ना यार, बड़ी मुश्किल से शूट करा हम लोगों ने, सच बताऊँ तो। एंड यहाँ पे आप देख ही रहे हो बहुत ही ज़्यादा रश था। फिर उसके बाद हम चलते चलते, सो गाइस जैसे कि आप सर्च कर रहे होगे, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, और आप चाहती हो अच्छे अच्छे बैंगल्स लेना, तो आ जाना सदर बाजार में इन भैया के पास, एक बार भैया देख लो, और इतने ही प्यारे प्यारे बैंगल्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 300-350 की रेंज में। अगर आप ही किसी नॉर्मली शॉप पे जाओगे तो आपको 1000-2000 से कम बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बट इन भैया के पास इतने रिजनेबल रेट पे आपको मिल रहे हैं। सो भैया आप क्या बताना चाहोगे इन सारी वैरायटी के बारे में? 80 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं, इतने सुंदर चूड़े, मतलब इतने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं। सो बिल्कुल भी मिस मत करना सदर बाजार का, इस गली का क्या नाम है, रूई मंडी में आ जाना, और यहाँ पे भैया मिल जाएंगे आपको, बस स्टार्टिंग में मिडल में ही
ये दुकान आप देख लेना कपिल बैंगल स्टोर के बिल्कुल अपोजिट में आपको भैया मिल जाएंगे। कपिल कपिल बैंगल स्टोर में अच्छा यही शॉप है, ये बहुत सारे भैया बैठे हैं तो आपको मिल जाएंगे, जल्दी से आ जाओ और बस लूट लो ये बैंगल्स। देन उसके बाद हम लोग चलते रहे एंड ये पूरी मार्केट ना, मतलब ये जो रोई मंडी की गली थी ना यार, बहुत ही अमेजिंग थी। लाइक मतलब सब कुछ था यहाँ पे ना, हर चीज़ होलसेल रेट पे, इतनी भीड़ थी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपको पूरे बॉक्सेस में दिखेगा सब होलसेल रेट में। और मेकअप तो इतना सस्ता था यार, सीरियसली बताऊँ 10-10 रुपये से यहाँ स्टार्ट हो रहा था, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी सुन के। कंसीलर्स वगैरह सबकी कॉपी थी, मैक तक की कॉपी यहाँ पे पड़ी हुई थी। एंड ये जो आप देख रहे हो ना नेल पेंट, 1-1 रुपये से स्टार्ट थी, ठीक है, सब कुछ होलसेल प्राइसिंग पे था। फिर ये मैंने पर्स देखे, बट मुझे वही सेम पर्स की ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, बट सस्ते थे, 70-80 रुपये से स्टार्ट थे पर्सेस, एंड ये वाले 50 रुपये से स्टार्ट थे। तो मैं जस्ट चेक कर रही थी, मैंने सोचा मैं समृद्धि के लिए ले लूँ एक पर्स, किट पर्स अच्छा लग रहा था, लेकिन यार मेरे खुद के घर में ना इतने पर्स उसके भरे हुए हैं, फिर मैंने सोचा नहीं यार मुझे नहीं लेना, मैं फिर से पैसे वेस्ट करूँगी और मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। तो इसी वजह से फिर हम निकले आगे और फिर हम ना शॉप्स में जहाँ जहाँ हमें कुछ चाहिए था तो पता कर रहे थे, ऐसे ही फिर पूछते पूछते हम निकलते गए आगे मार्केट से। पूरी ये वाली मैं टॉय मार्केट में आ गई थी, ये पूरी टॉय मार्केट रोई मंडी से अगर मैं बाहर निकल जाती हूँ तो, ठीक है। उसके बाद हम एक गली में घुसे, मुझे जाना था मटके वाली गली में, बट मैं किसी और गली में घुस गई थी तो मुझे मटके वाली तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा। तो बस हम लोग चलते गए चलते गए, लाइक सीरियसली यहाँ पे ना बस आप टाइम लेके आना, आप ये मैं सोना आधे घंटे में आपको पूरा दिन भी जा सकता है इस मार्केट में आने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ 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 अपने घर के लिए भी पर्सनली जो मुझे चाहिए था मैं परचेज़ करती रही, मुझे जो जो पसंद आता रहा, एंड फिर वही सामान ले लेके हम लोग आगे निकलते गए, बिकॉज मुझे थोड़ा जल्दी घर आना था, बच्चे इनके पास थे तो मुझे वो भी टेंशन थी। एंड फिर यहाँ पे ना मतलब मेरे को ऐसा लगा सदर पहुँच के कि कुछ भी चाहिए ना आपको, कुछ भी, एक सुई से लेके मतलब मान लो एक हाथी तक, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। इतनी बड़ी सदर बाज़ार है, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और जैसे कि दिवाली आ रही है ना, मैं तो कहूँगी गाइस कहीं मत जाना, सीधा सदर बाज़ार पहुँच जाना, आपको इतने रिजनेबल रेट पर इतनी अच्छी अच्छी आइटम्स मिलने वाली है। फिर हमें थोड़ी सी गर्मी लगी तो मैंने यहाँ पर नींबू लेमन बनवाया, प्यास लगी थी और ये मुझे ना एक अंकल खड़े थे तो मुझे लगा यार मुझे उनसे ना कुछ परचेज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने ना समायरा के लिए 2 टॉयज़ ले लिए, बहुत ही रिजनेबल रेट में थे। और फिर यहाँ पे हमें ना एक मसाजर मिला, ये मैंने ऑनलाइन चेक किया था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आ रहा था और मैं आपको बताऊँगी ना तो आप हैरान हो जाओगे, मैंने परचेज़ कर लिया है, ये मुझे 250 बोल रहे थे, मैंने ऑनलाइन इसका 600 प्राइस देखा था, बट मुझे कमेंट में पहले बताओ आपको कितने का लग रहा होगा, फिर मैंने इसको 100 में परचेज़ किया।